नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस दिवाली धनतेरस के दिन घर के इस जगह को कर ले साफ, हमेशा रहेगा लक्ष्मी जी का वास। इस दीपावली में हम कई तरह के टोटके करते हैं, उसमें कुछ खास टोटके हैं जो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के वास्तु टिप्स। देवी लक्ष्मी जी को साफ सफाई रोशनी बहुत पसंद है, इसलिए दीपावली से पहले घर की सफाई करके रंग रोगन किया जाता है। लक्ष्मी जी ऐसी साफ सुथरी जगहों पर वास करती हैं। यदि आप भी लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं तो धनतेरस और दिवाली के लिए वास्तु शास्त्र में बताई गई कुछ बातों का पालन अवश्य करें। सबसे पहले ईशान कोण की कर ले सफाई। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की सबसे अहम जगह उसका ईशान कोण होता है। यह देवताओं की जगह होती है। इसी दिशा में किचन और पूजा घर बनाए जाते हैं। धनतेरस और दीपावली के दिन ईशान कोण की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। यहाँ फालतू की कोई चीज़ न रखें। यदि घर का ईशान कोण साफ सुथरा हो तो माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर की कृपा से घर में हमेशा सुख समृद्धि होती है। ब्रह्म स्थान से हटा दे टूटी बेमतलब की चीज़ें। घर के ईशान कोण के बाद दूसरा सबसे अहम हिस्सा होता है घर का ब्रह्म स्थान। घर के बीच के हिस्से को ब्रह्म स्थान कहते हैं। इस स्थान को हमेशा खुला और हो सके तो हवादार रखना चाहिए। यहाँ कभी भी भारी फर्नीचर या बेमतलब की चीज़ें न रखें, ना ही इस जगह पर टूटा हुआ फर्नीचर रखें। यदि रखा है तो इन चीज़ों को हटा दें। दीपावली धनतेरस के दिन इसे खास तौर पर साफ कर लें। इसके बाद पूर्व से आती है सकारात्मक ऊर्जा। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है और घर में सकारात्मकता का संचार भी इसी दिशा से होता है। लिहाजा घर की पूर्व दिशा हमेशा साफ सुथरी रहनी चाहिए। धनतेरस और दीपावली के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की पूर्व दिशा को साफ कर लें। इससे लक्ष्मी जी खुश रहेंगी और हमेशा आपके घर में लक्ष्मी बरसता रहेगा। आप इस सभी बातों को जरूर ध्यान में रखें। यदि घर की ये तीनों जगहें साफ सुथरी रहेंगी तो लक्ष्मी जी घर में जरूर वास करेंगी। साथ ही घर में हमेशा सेहत, सुख, समृद्धि बनी रहेगी। घर के सभी सदस्य तरक्की करेंगे। जी हाँ, आप देख रहे हैं चैतन्य प्रभु चैनल। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि इस तरह से संबंधित वास्तु टिप्स वाला वीडियो और बाकी सूचनाएं, त्यौहार की सूचनाएं आप सबको प्राप्त होता रहे समय समय पर। चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी लक्ष्मी पूजा।